से परमात्मा देवी संप्रदाय में आने वाली मनुष्य आत्माओं के गुणों एवं शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। आज के इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमात्मा बताते हैं वह मनुष्य आत्मा जो अपकारी पर भी उपकार करती है, वह आत्मा जिसका प्रिय आभूषण दया भाव और निर्मल स्वभाव है, वही एक महान तपस्वी और योगी बन सकती है। तो ये सभी गुण व विशेषताएं अपने अंदर कैसे धारण करें, आइए सुनते हैं। हमारे इस भारत देश में विशेषकर आदि सनातन देवी देवता धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए भगवान के द्वारा उच्चारी गई गीता तो मानो एक अनमोल पुस्तिका है, छोटी सी पुस्तक जिसका मूल्य भी नगण्य है। ऐसी पुस्तक पढ़ते हुए लोग डरते हैं, किसी भी घर में मुश्किल से ही श्रीमद् भगवद गीता देखी जाती है, अगर कोई पढ़ता भी है तो उस पर बहुत कम आचरण हो पाता है। लेकिन हम सभी गीता के महत्व को समझ लें। आज के परिवेश में जबकि संसार में पाप और अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनाचार का बोलबाला है, इस महान ग्रंथ का महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है। 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक की कुछ चर्चा हम करें। दैवी संपदा से युक्त मनुष्य का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, जिसका प्रिय भाषण हो, जो अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करता हो, जिसमें कोमलता हो, जिसमें दया भाव हो, जो पदार्थों के संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होता हो, जिसका चित्त बहुत निर्मल हो, ऐसा व्यक्ति दैवी संपदा से युक्त माना जाता है। प्रिय भाषण, जैसा हम दूसरों से प्रिय भाषण सुनना चाहते हैं, क्यों ना हम वैसा ही प्रिय भाषण करें, प्रिय बोल बोलें जो दूसरों को बहुत प्रिय लगते हों, जो दूसरों को सुख प्रदान करते हों, जो दूसरों के चित्त को आनंद से भरपूर कर देते हों। संस्कृत का ये श्लोक तो प्राय सभी ने सुना होगा, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम है प्रियम। कभी कभी मनुष्य एक नियम बना लेता है, मुझे तो सत्य ही बोलना है, चाहे वो सत्य कितना भी कटु हो, कितना भी कठोर हो, चाहे वो विनाश की ज्वाला भड़काने वाला हो। ध्यान दें, ऐसे सिद्धांत बनाने से अब कोई फायदा नहीं। सत्य भी बोलना है, कहाँ बोलना है, किन परिस्थितियों में नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ सत्य उजागर करने से बहुतों का कल्याण हो सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सत्य बात बहुत प्रेम पूर्वक अच्छे शब्दों में दूसरों के सम्मुख रखनी चाहिए। जो अपनी सत्य बात को अच्छे शब्दों में और प्यार सहित दूसरों के समक्ष पेश नहीं कर पाता, उसकी सत्यता में शक्ति नहीं रहती, उसकी सत्यता शक्तिहीन हो जाती है। जबकि कहावत तो यही है, सत्य भी यही है कि सत्य में शक्ति है, परंतु सत्य यदि प्रेम और मधुरता के साथ है तो सचमुच वो अत्यंत शक्तिशाली है। हम सब जानते हैं भगवान को परम सत्य कहा जाता है, उसका ज्ञान भी अंतिम सत्य है, लेकिन परमात्मा प्यार का सागर भी है। प्यार का सागर और परम सत्य दोनों का कितना सुंदर सामंजस्य है परमात्मा के पास। ऐसे ही हम भी अपने अंदर अपनाएं, धारण करें और प्रिय भाषण बोलें, प्रिय शब्द बोलें। आप अपने घरों में आज से ही यदि ये परंपरा प्रारंभ कर दो कि हम किसी को भी अप्रिय लगने वाले बोल नहीं बोलेंगे, तो आपका घर सचमुच प्रेम का मंदिर बन जाएगा। आप कहेंगे कि बच्चे गलत काम कर रहे हों, वो घंटों टीवी पे ही बैठे हों, वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, तो क्या करें, प्रेम से तो वो मानेंगे नहीं। प्रेम में भी यदि शक्ति हो तो प्रेम का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी यदि कहीं आपको बच्चों को आँख दिखानी ही पड़े, फुंकार मारनी ही पड़े,
तो उसमें हर्जा भी कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्रोध की अग्नि आपके चित्त को जलाने न लगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, कोई कहते हैं महावीर स्वामी की कहावत है, उसने ये काम किया, कोई कहते हैं किसी संत पुरुष ने किया, किसी ने भी किया हो, एक सांप रहता था, जो भी राह से निकलता था वो उसको डंक मार के नष्ट कर देता था, वो व्यक्ति मर जाता था, सांप बहुत जहरीला था। लोग महाराज के पास पहुँचे कि महात्मन इस सांप को समझाओ, इसने तो यहाँ जीना मुश्किल कर दिया है। वो सांप के पास गए और उससे निवेदन किया कि भाई तुमसे लोग बहुत दुखी हैं, तुम किसी को काटा ना करो। सांप ने मान लिया, उस दिन से काटना बंद कर दिया। अब लोगों को पता चल गया कि सांप तो शांत हो गया है। हर व्यक्ति एक पत्थर उठाता था, सांप को मार देता था, सांप घायल हो गया, परेशान हो गया, कई दिन के पास महाराज के पास पहुँचा कि महाराज आपने मुझे ऐसा उपदेश दिया, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया। महाराज ने कहा, पहले उनका जीना मुश्किल था, तुम्हारा जीना मुश्किल है। मैंने तुम्हें काटने के लिए ही तो मना किया था, फुंकार मारने के लिए थोड़ा ही मना किया था, फुंकार मार दिया करो, लोग डर के भाग जाएंगे। आप भी यदि अपने बच्चों को कहीं डराना चाहते हैं, कहीं उन्हें बचाना चाहते हैं, कहीं उन्हें पढ़ाई में लगाना चाहते हैं, तो जस्ट क्रोध कर लिया करो दिखावे के लिए, लेकिन वो क्रोध आपके अंदर न पहुंच जाए, आपके चित्त की शांति को भंग न कर दे, क्योंकि क्रोध एक अग्नि है। तो प्रिय लगने वाले बोल बोलने की आदत डालने, नॉर्मल रूप से कम हम ऐसा कर ही सकते हैं। हंसी मजाक में तो इस बात का ध्यान ही रखना चाहिए कि कटु वाणी, दूसरों पर कमेंट्स या ईर्ष्या से भरे हुए बोल हमारे मुख को कलुषित न करें। हमारे मुख की शोभा बढ़ाने वाले बोल ही हमें उच्चारण करने चाहिए, जिससे हमारी भी शोभा बढ़े, सुनने वाले भी बड़े आनंदित हों, गौरवान्वित हों, वाह वाह करते रहें। अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना। हम सब जानते हैं क्रोधी व्यक्ति तो किसी को भी प्रिय नहीं लगता। सब जानते हैं क्रोध तो अग्नि है। जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती हो, उस अग्नि से वहाँ के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सभी का मूड ऑफ हो जाता है, सभी तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, काम धंधे में किसी का भी मन नहीं लगता, न कोई प्यार से खाना बनाएगा, न घर की साफ सफाई करेगा, न घर को सजाएगा। जिस घर में क्रोध की अग्नि दहकती हो, उसका तो संपूर्ण श्रृंगार ही उस क्रोध की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। सचमुच बहुत बुरा है क्रोध। कई लोग क्रोध से बचने के लिए शराब पी लेते हैं, कई लोग शराब पीकर और ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं। दोनों ही बातें बुरी हैं, अपने चित्त को शांत करो। यूँ तो क्रोध किसी पर भी नहीं करना चाहिए, परंतु श्रीमद् भगवद गीता कह रही है कि जो तुम्हारा अकल्याण करता है, जो तुम्हारा बुरा करता है, जो तुम्हारा अपकार करता है, उस पर भी तुम क्रोध न करो। ये महान व्यक्ति के लक्षण हैं। ये वही कर सकता है जिसके अंदर सत्य विवेक पूर्ण रूप से समा गया हो, जिसकी बुद्धि में ज्ञान भर गया हो, जिसकी बुद्धि ज्ञान का भंडार बन गई हो, जिसने आत्मिक स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास करके अपने चित्त को पूर्णतया शांत कर दिया हो। इससे भी बड़ी चीज है जिसका मन दूसरों के लिए सद्भावनाओं से भर गया हो, जो सभी का कल्याण चाहने वाले हों, वो अपकार करने वाले पर भी क्रोधित नहीं होते। वो जानते हैं कि जो उनका बुरा कर रहा है, जो उनका अपकार कर रहा है, जो उनकी निंदा आलोचना कर रहा है, वो वशीभूत है अपने क्रोध के, वो अज्ञान के वश है। उनको ऐसे व्यक्ति पर दया आती है, रहम आता है, उनका चित्त निर्मल रहता है, उनकी निर्मलता कभी भी नष्ट नहीं होती। तो हम अपने को तैयार कर लें कि जो लोग हमारा बुरा कर रहे हैं, जो हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनके लिए भी हम अपने चित्त में शुभ भावनाएं धारण करें, तो वास्तव में उनके मन की एक कटुता भी सौम्यता में परिवर्तित हो जाएगी, उनका चित्त भी पॉजिटिव हो जाएगा,
उनके अंदर भी सद्भावनाओं के बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो क्रोध किसी भी परिस्थिति में त्याज्य है। क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है। पहले भी तीसरे अध्याय में इस पर बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है। हम सभी संकल्प करें, रोज सवेरे उठते ही अपने को याद दिलाया करें, मैं तो चेतन आत्मा हूँ यहाँ रहने वाली, मैं तो पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मेरा स्वभाव शांति है, मेरा स्वधर्म शांति है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध मेरी नेचर नहीं है। उठते ही आप अपने को याद दिलाएं, आज कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कुछ भी बुरा बोल दे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरी तबीयत बिगड़ जाए, मुझे ज़्यादा काम करना पड़े, कोई मुझे चिड़चिड़ा बनाने की कोशिश भी करे, लेकिन मैं अपनी शांति को छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने क्रोध को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं अपने मन को शांत रखूंगा। इन विचारों में बहुत शक्ति है। यदि मनुष्य इस तरह के विचार शांत चित्त होकर सवेरे उठकर कर लेता है, तो आप सभी अनुभव करेंगे कि क्रोध की अग्नि काफ़ी बुझ जाएगी, और रोज़ रोज़ ऐसा चिंतन और ऐसा अभ्यास करने के बाद आत्मा जो शांत स्वरूप है, जिसके लिए एक शब्द उच्चारण किया जाता है ओम शांति, वो वास्तव में शांत हो जाएगी। आत्मा अपने मूल स्वधर्म में स्थित हो जाएगी। आप ओम शांति का उच्चारण भी किया करें कुछ बार, सच्चे दिल से बोला करें, महसूसता के साथ बोला करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तीसरी बात कही है, दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति वो है जो दूसरों की निंदा नहीं करते। निंदा का रस, निंदा का सुख भी संसार में प्रसिद्ध है। जब चार व्यक्ति मिलकर किसी की निंदा करने लगते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, समय भूल जाता है, जरूरी काम छोड़ देते हैं, बड़ा रस आने लगता है। लेकिन जरा ध्यान दें, वैसे ही यदि कहीं हमारी निंदा होती हो, यदि चार लोग बैठकर हमारे बारे में बुरा बुरा सोचते हों, हमें उसका पता लगे, तो हम पर क्या बीतती है। जब हम निंदा सुनना नहीं चाहते तो हम निंदा करें भी क्यों, बचें हम निंदा करने से। हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां पनपती हैं, हमारे अंदर शुभ चिंतन श्रेष्ठ भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए हम निंदा करने के पाप से बचें। ऐसे ही कहा गया है, जो दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति है वो दयावान होता है। दया भी मनुष्य का एक स्वभाव है, एक संस्कार है। केवल जीवों पर दया नहीं, आज तो सभी मनुष्यों पर भी दया करने की आवश्यकता है। आज तो अनेक मनुष्य दया के पात्र बन गए हैं, जो कुमार्ग पर जा रहे हैं, जिनके चित्त की शांति भंग हो चुकी है, जो मनोविकारों को अपना सब कुछ मान बैठे हैं, संपदा मान बैठे हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्मों के कारण जिनका जीवन दुख और अशांति से भरता जा रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शारीरिक रोगों से बहुत पीड़ित हैं। भले ही आज कुछ भी कारण रोगों के हम गिनाते हों, पोल्यूशन बढ़ गया है, खान पान में शक्ति नहीं रही है, हवा भी दूषित हो गई है, पानी तो बहुत खराब हो चुका है, लेकिन इन रोगों के दो ही मुख्य कारण हैं, मनुष्य के बढ़े हुए पाप कर्म और मनोविकार। ऐसे मनुष्य दया के पात्र हैं। जब आप रोगियों को देखते हैं तो जरूर आपके चित्त में उनके लिए दया भाव उभरता होगा। किसी गरीब को, भिखारी को, लूले लंगड़े को आप देखते हैं, जरूर उनके लिए आपके चित्त में दया भाव प्रकट होता होगा। जिस मनुष्य के मन में दया नहीं, वो तो वास्तव में मनुष्य भी नहीं है। जो भावनाओं से भरा हुआ नहीं है, वो तो मानव कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। दयावान बने, दूसरों को मदद करें। ऐसे ही एक बहुत अच्छी बात आ गई है, जो वास्तव में योगियों के लिए ही कही गई है, क्योंकि संसार में योगी युक्त आत्माएं ही दैवी संपदा से युक्त हो सकते हैं,
बहुत सुंदर बात है। पदार्थों का संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। पदार्थ क्या हैं? जो कुछ हम खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम यूज कर रहे हैं, वो सब पदार्थ हैं। और ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि जिन चीज़ों को वो यूज करता है उनमें वो आसक्त हो जाता है। आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, आप उसे यूज कर रहे हैं, नेचुरल रूप से आपकी उसमें आसक्ति हो जाएगी, आपको उसी में सुख मिलेगा। यदि वो आपके पास न रहे तो आप कष्ट महसूस करने लगेंगे। यदि उससे कोई घटिया ढंग की कार आपके पास आ जाए तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। एक बहुत हाई क्वालिटी की कार में आप रोज़ बैठते हैं, रोज़ सफ़र करते हैं, उसमें आपकी आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति मनुष्य को अपने बंधनों में बांधने लगती है। इसलिए हम ऐसा अभ्यास रखें, ऐसा संकल्प रखें कि ये सभी जो पदार्थ हैं, ये सभी जो साधन हमें प्राप्त हुए हैं, ये केवल यूज करने के लिए हैं, ये हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन इन पर आधारित न हो जाए। यदि हम साधनों पर आधारित होकर जीवन जीते हैं तो यदि कभी भविष्य में हमें उन चीज़ों का अभाव होगा तो हमारे कष्ट की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए पदार्थ केवल यूज करने के लिए हैं, यूज करो और उनको ही सब कुछ न मान लो, उनको ही अंतिम प्राप्ति संपूर्ण सुखों का साधन न मान लो। सुख तो कुछ और ही चीज़ है, सबको अनुभव है। आप बहुत सुंदर ऐसी कार में यात्रा कर रहे हो लेकिन आपका मन अशांत हो, कार में ही किसी से आपकी लड़ाई हो रही हो, तो क्या कार में बैठकर आपको सुख मिलेगा? उससे अच्छे तो वो लोग आपको दिखाई देंगे जो धूप में चल रहे हैं लेकिन मस्त हैं, बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। उससे सुखी तो आपको वो लोग दिखाई देंगे जो साधारण हैं, गरीब हैं, लेकिन मौज से रात को खाना खाकर विश्राम करके गहरी नींद सो रहे हैं। ऐसे ही हम भोजन खाते हैं, नेचुरल, बहुत नेचुरल है, भोजन में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। एक बार बहुत टेस्टी भोजन खाने के बाद यदि उसको वैसा टेस्टी भोजन न मिले तो उसको भोजन स्वादिष्ट ही नहीं लगता। जिसको बहुत मिर्ची खाने की आदत है उनको थोड़ी भी कम मिर्ची का भोजन मिल जाए तो वो लगता है उनको जीवन का सारा सुख ही चला गया। और यदि कहीं डॉक्टर कह दे कि आज से मिर्ची बंद तो उनके जीवन का सुख ही चला जाता है। आज से चाय बंद तो सोचते हैं अब जीवन कैसे जिएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये उनके साथ होता है जो मनुष्य खान पान में आसक्त हो गए। और जिस मनुष्य ने ये सोच लिया कि ये सब चीजें तो केवल शरीर को एनर्जी देने के लिए है, केवल पेट भरने के लिए है और इनका कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हर तरह के भोजन में रस आता है, स्वाद आता है। चाहे उसे 36 प्रकार के भोजन खाने को मिले, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, चाट पकौड़ी, सब जिससे जीव को रस मिल रहा हो वो मिले, चाहे सूखी रोटी अचार के साथ मिल जाए, दोनों में उसे समान स्वाद अनुभव होता है। क्योंकि आप देख जान सकते हैं स्वाद तो केवल जीव तक है, नीचे उतरते ही कहाँ स्वाद रह जाता है। तो हम सभी पदार्थों में अनासक्त बने। वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र शरीर ढकने के लिए हैं, बहुत अच्छे ही होने चाहिए, साधारण हो गए तो बिल्कुल मजा ना आए, एकदम मूड ऑफ हो जाए, ऐसी हमारी मन की स्थिति ना हो। इसे कहा जाता है निमित्त भाव से इन पदार्थों का प्रयोग करना और अपने जीवन को ऊंचे विचारों से भरना। तो आओ हम सभी अपने जीवन को दैवी संपदा से युक्त बनाएं। किसी भी पदार्थ में आसक्ति न रखना, जो अपकार करे उस पर भी क्रोध न करना, हर कार्य करते हुए भी निमित्त भाव रखना, यही है देवत्व को प्राप्त करना। मैं आशा रखती हूँ कि आज के एपिसोड से आपने भी कोई ना कोई शिक्षाएं जरूर ली होंगी। इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।
तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझ से योग लगाए वो परमानंद को पाए। गहरा सागर हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचेता हम सब है रचना तेरी। तू सोमनाथ तू शक्तिमान तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे मिट जाए उसके कलेश हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्रणना तू योगेश्वर है तेरा घर शांति का दल। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए